गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुनील, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण भारतीय इतिहास, कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है। जो हम सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय दे चुके थे, इसमें हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो स्थल को देख, थोड़ा सा एक जगह छोटा था जिसमें थोड़ा सा पॉइंट था, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो आकार है वो ध्वजाकार है, ध्वजाकार इस टाइप का आकार है। थोड़ा सा पीछे की तरफ उत्तर प्रदेश में वाला जो पूर्वी किनार है, तो वही है वाला पोर्शन, वेस्ट बोल रहे हैं, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। जो वेस्ट में पाकिस्तान वाला पोर्शन आता है, पाकिस्तान आता है, जम्मू कश्मीर आता है, यहाँ पे यू बैठा जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है। तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, वहाँ पर सुतकंगी डोर नाम की जगह है। तो बलूचिस्तान में कौन सी जगह है? सुतकंगी डोर नाम की जगह सबसे सुतकंगी डोर नाम की जगह है, तो यू सॉरी पाकिस्तान। क्योंकि दास नदी के किनारे पे है, कौन सी दास नदी? दास ऐसे ही जो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में जो इलाका आता है, यहाँ पर भी जगह है जिसका नाम मांडा है, मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी यहाँ पे जो यूपी है में आलमगीर नाम की जगह है, आलमगीरपुर। हिंड नदी के किनारे पे है, हिंड नदी। यहाँ पे जो साउथ में जो महाराष्ट्र में जगह है, दाइमाबाद नाम की जगह है, दाइमाबाद। प्रवरा नदी के किनारे पर, प्रवरा नदी। चारों स्थल देख ली भाई। तो पश्चिम में जो दास नदी के किनारे पर सुतकंगीडो नाम की जगह है, जो पाकिस्तान के पाकिस्तान में, और उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा नाम की जगह है जो चिनाब नदी के किनारे पे है, तो में जो हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दामियाबाद नाम की जगह है जो प्रवरा, यहाँ तक इसकी सिंधु सभ्यता की सीमा फैली हुई है। इसका एक थोड़ा सा याद रखने का तरीका है, जैसे जोड़ने को अपन ऐड भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं, ऐड भी बोलते हैं, सम भी बोलते हैं। ऐसे बन जाएगा आलमगीरपुर फोर डायमाबाद एस फोर सुतकंगी एम मांडा। ये जो एस एम, इसकी दोनों इधर के नॉर्थ और वेस्ट वाले हो जाएंगे, और वेस्ट और यहाँ से ए से डी से और ईस्ट वाला, और क्या बोलते हैं साउथ वाला जगह। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो स्थल को याद रखना चाहिए। चेनुदुड़ो से शुरुआत करते हैं आज। चेनुदुड़ू की खोज नानी गोपाल मजुमदार है, एन जी मजुमदार ने की थी 1931 में। इसकी जो स्थिति है 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर सिंधु नदी के तट पर आएगी मोहनजोदड़ो से। जैसे माना कि यहाँ पर ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, इसकी दक्षिण पूर्व में ये जो जगह आएगी 130 किलोमीटर, यहाँ पर चेनुदुड़ू, यहाँ से ये नदी बह रही है, कौन सी? सिंधु नदी। और ये कैसा शहर है जो दुर्ग रहते हैं, सभी शहर हैं वहाँ पर दुर्ग बने हुए हैं, अपनी बाउंड्री बनी हुई है चारों तरफ से, जो शहर हो जाता है इसके चारों तरफ सुरक्षा के लिए सुरक्षा हो सकती है, एक प्रकार के प्रकार सुरक्षा, तो सुरक्षा से नगरों को बचाने के लिए दुर्ग बने हुए हैं। औद्योगिक शहर है, यहाँ पर जो वस्तुएं मिली हुई हैं ज़्यादा तरीका से जो मेकअप की, जैसे कि मेकअप की सामग्री बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं या मनका बनाने का कारखाना, अलंकृत वक्राकार ईंटें, पकी पाप नालियों का प्रयोग किया गया है,
एक इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ईट है, बिल्ली है, बिल्ली का पीछा कुत्ता कर रहा है, तो पीछे आज भी देखते हैं अपन, कुत्ता होता है वो हमेशा बिल्ली का पीछा करता है, व्यक्ति जाती है तो उसके शिकार के लिए पीछा रहता है। पंजे के निशान ईट द्वारा देख लो, इम्पोर्टेंट कुछ भाई, कौन से शहर से कौन सी वस्तु लिया है, मेकअप की सामग्री मिली है, लिपस्टिक ली है, शीशा मन का कारखाना, डिजाइनदार ईंटें मिली हुई हैं, आजकल अपन देख टाइप की ईंटें ज़्यादा, तो पाए पकी हुई पाइप नालियों को प्रयोग किया गया है, ईंट है जो ईंट पे क्या बोलते हैं बिल्ली का पीछे कुत्ता कर रहा है। और यहाँ की जो संस्कृति, जो सिंधु संस्कृति के अतिरिक्त झांगर संस्कृति मिली है, कौन झांगर संस्कृति, ताकि अपन देखते हैं कई प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, जैसे मालवा संस्कृति, बराबर संस्कृति, साथ यहाँ भी झुकर झांगर संस्कृति। लोथल को देखते हैं, लोथल को अपन लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं, मिनी हड़प्पा या मिनी, देखते हैं कोई शहर है तो थोड़ी सिमिलरिटी मिलती है ना, तो उसको उसका मिनी रूप दे देते हैं, दौर को अपन बॉम्बे बोलते हैं, एक यहाँ पर क्या बोलते हैं जगह है, क्या बोलते हैं कौन सी, सरोज में खजार नाम की जगह है, नी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, कि वहाँ के जैसा इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ के क्या बोलते हैं सिमिलैरिटी मिलती है, जैसे कि इंदौर के बारे में बोलते हैं, इंदौर को मिनी बॉम्बे क्यों कहते हैं, क्योंकि वही वहाँ पे हो गए हैं उसी टाइप से, वहाँ का रहन सहन मतलब हाई क्वालिटी, और भाई लोग बोलते हैं जॉब की क्वालिटी, एजुकेशन का लेवल टाइप से तो मिला दिया जाता है, तो इंदौर बोलते हैं कि अब से जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो होते हुए बहुत विकसित शहर हुआ करते थे, आगे छोटी छोटी कुछ सिमिलरिटी लोथन मिलती है, लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो, रंगनाथ राव ने स्थिति के बारे में देखा जाता है तो गुजरात के अहमदाबाद जिला था, जिला है वहाँ पे धोलका तालुका के धोवा नदी की खोज हुई है, यहाँ पे बंदरगाह तो गोदीवाड़ा मिला हुआ है, यहाँ पे तीन युग्मित समाधियाँ मिली हैं, तीन युग्मित समाधियाँ से क्या मतलब हुआ है, एक लेडी जो भी उसके साथ में उसका जेंट को दफना दिया, जेंट्स को तो ऐसा सुसाज तो भाई सच ही होता है, जेंट्स कम हो जाता है, उसके साथ में लेडीज को जबरदस्ती से, या कभी कभी लेडीज होती है जो अपनी इच्छा अनुसार पति के साथ में मरने के लिए जलने के लिए तैयार हो जाती है, तीव्रता कहते हैं, ऐसी तीन कपल वाली समाधियाँ मिली हुई हैं। फारस की मोहर, ऐसा कहते हैं जो बंदरगाह है यहाँ पर, बंदरगाह से व्यापार हुआ करता था यहाँ पे फारस के लिए, वहाँ के लोग जगह कुछ ही देते उनको के बदले मुहर देते होंगे, फारस की मुहर मिली है, लगता है कि व्यापार हुआ करता, ये जो घरों के दरवाजे सड़कों के खोलते घर है, तो घरों के दरवाजे सड़क जा रही है, मोस्टली जो घरों के दरवाजे होते हैं सड़क के विपरीत दिशा में, धूल मिट्टी वगैरह बच्चे वगैरह जो छोटे छोटे थे चल के सड़कों की तरफ ना आ जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, मोस्टली शहर तो जो स्थल होते हैं उनके दरवाजे सड़क विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है जो घर हैं सड़क के किनारे की ओर खुलते हैं, तो तादे पर हो सकता है कि ट्रक वगैरह जा रहा है सामान वगैरह तो नहीं होता वो, पर कुछ गाड़ियाँ वगैरह होती है जिसमें सामान लोड करके जा रहा है, अनाकार वगैरह अना मेटल वगैरह, तो उसको सीधा उतार के घरों में प्रवेश करा देते हैं, यदि मान लो इनके घर इधर होते होंगे तो इनको ऐसे गली से होकर चक्कर लगा गला आना पड़ता हो, गली में जगह ना हो तो दिक्कत हो सकती, तो उनके घरों के दरवाजे सड़कों के ओर खोलते थे। अग्निकुंड का चनउदड़ो में अपन देखा था कि मनके बनाने का कारखाना है, यहाँ भी चनउदड़ो की भांति मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा, 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 बंगा का मतलब बंगल, काली का मतलब काला कलर, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हुई, यानी काली की सी बनी हुई है, काले रंग की चूड़ियाँ मिली हुई, तो कालीबंगा का अर्थ होता है। तो अमलानंद घोष 1951 में की खुदाई बी के थापर तथा बीबीए, ये जो स्थिति है राजस्थान के गंगानगर जिले में सरस्वती या तो घग्गर नदी के किनारे, सरस्वती व घग्गर एक ही बात होती है, यहाँ पर मिली हुई है, साक्ष्य है इसके, तो काली मिट्टी से इसका अर्थ होता है, काली चूड़ियाँ मिलती हैं, काले रंग की चूड़ियाँ, काली ईंट है यहाँ पर, जुगल समाधान यहाँ भी सती प्रथा का साथ हो, भूकंप के प्राचीन साथ मिले हैं, हल से जीते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है,
से जुटे हुए खुड़कुच बोले कालीबंगा से मिला है, पूरी मिली है अर्थ में छुप, लकड़ी से बनी नालियाँ, बनावली बनावली भी हरियाणा के हिसार में है, गंगोई नदी की, रविंद्र सिंह बिश्नोई उत्तर के घर, यहाँ पे हल्की आकृति छोड़ने मिलते हैं, हल्की आकृति ऐसा अपन देखते हैं ना, हल होता है, हल होता है ऐसा, हल्की आकृति का खिलौने मिले अच्छी किस्म की। जो देखा था गेहूं और जौ की यहाँ पूज हुई है, गेहूं और जौ, जौ यहाँ पर अच्छी किस्म की अग्निवेदिका मिली है, मन की जल निकासी की प्रणाली का अभाव है, ये कैसा मात्र शहर है जहाँ पे जल निकासी नहीं होती, तो हो सकता है थोड़ा बैकवर्ड इलाका हो यहाँ हुआ है। खुद का गेट अभी अपन ने देखा था कि जो जो पूर्वी सारी पश्चिमी जो किनारा था गीता का, पाकिस्तान के ऊंची स्थान दासक नदी के किनारे पूर्वी किनारे बंदरगाह दुर्ग और न्यूजन एक प्लानिंग से के प्रमाण मिले हुए। फिर रोपड़ आता है, रोपड़ जो जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953, सतलज नदी के वाले ज्वालिक श्रेणी बताई हुई थी, हिमालय की ना चार श्रेणियाँ होती हैं, ट्रांस हो गया वाला जो इसको बृहद हिमालय बोलते हैं, ज्वाला मध्य हिमालय हो जाता है वाले, पर ये ऑलमोस्ट ये पाकिस्तान का आपका जो पूर्वी किनारा है वाले जो बसा हुआ है, पर भी जो रोपड़ नाम की जगह है, जिला है पंजाब में, बालिक पहाड़ियों में नदियाँ चलती है, यहाँ पर मानव के साथ साथ पालतू को साथ में दब साथ साथ करके साथ अपने पसर का बुर्ज होम में देखने को मिला। राखी गढ़ी को देखते हैं, राखी गढ़ी ये तो हरियाणा के हिसार में है, इस साक्षी के दरगाह होते हैं, प्राची होते हैं, अन्नाकार होते हैं, अपनी वेदिकाएँ होती हैं, लिपिबद्ध मोहर के अवशेष में जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं गया है, जो अशोक की जो लिपि थी उसको तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ पाया था, हालांकि यहाँ बट पढ़ा नहीं गया है। रंगपुर स्थिति गुजरात के अहमदाबाद जिले में, सारी जगह पता जो गुजरात गुजरात आ रहा है, आता है कि सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी की सभ्यता साइट्स काम काम गुजरात के अहमदाबाद जिले की खादर नदी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है।